नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3 Pro 5G वर्सेस Samsung Galaxy A35 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3 Pro 5G में 6.53 इंच जबकि A35 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A3 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A3 Pro 5G में 3 इंच जबकि A35 5G में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A3 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि A35 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3 Pro 5G में 186 ग्राम जबकि A35 5G में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A3 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3 Pro 5G में LCD जबकि A35 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A3 Pro 5G में 20:9 जबकि A35 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A3 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि A35 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3 Pro 5G में 720x1604px HD+ और A35 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3 Pro 5G में 85.13% जबकि A35 5G में 84.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3 Pro 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A35 5G में 390 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3 Pro 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A35 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A35 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A35 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A3 Pro 5G में माली G57MC2 जबकि A35 5G में माली G68MP5 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6300 और A35 5G में Samsung Exynos 1380 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3 Pro 5G में 5100 mAh जबकि A35 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A3 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि A35 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A35 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 27,769 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A3 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A35 5G की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A35 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A35 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।